गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मेटल कटिंग का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शियर एंगल और शियर वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, मतलब हम लोगों ने वेलोसिटी ट्रायंगल को भी कंप्लीट किया था और शियर एंगल को भी कंप्लीट किया था। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे डियर, आज का भी लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आइए डियर, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मशीनिंग या टाइप्स ऑफ कटिंग के बारे में, मतलब कितने टाइप से हम लोग कटिंग करते हैं। तो देखिए डियर, इस पे क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि कोई वर्क पीस हमारे पास है, मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, आप दोनों वर्क पीस के अकॉर्डिंग एज्यूम करिए, जैसे सपोज करिए ये एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, इसके डायमीटर को हमें कम करके इतना करना था। देखिए सपोज करिए इसका डायमीटर हमारे पास क्या था, मान लीजिए हम 20 mm था और इसे हमें 16 mm करना था, तो हमने इसमें क्या किया, इस तरीके से किया। सेकंड हम लोग क्या करेंगे डियर, यही चीज हमारे पास है 20 mm का ही है और 16 mm ही कम करना है, 16 mm ही कम करना है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है डियर, ये है 20 mm और ये है हमारा 16 mm। अब इसमें अंतर क्या रहा है डियर, देखिए दोनों में हम लोगों ने क्या किया, दोनों में हम लोगों ने क्या किया, 16 mm डायमीटर कंप्लीट किया 20 mm को टर्न करके। यहाँ पे जो हमने पहले बारे में लगाया, ये टूल हमारा कुछ इस तरीके से लगा और इस डायरेक्शन में कटिंग करेगा, और इसमें हमारा क्या हो रहा है डियर, टूल इस तरीके से लगेगा और इस डायरेक्शन में कटिंग करेगा। अब इसमें देखिए आपने क्या किया, इसे हम लोग बोलते हैं डियर टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग, और ये हमारी क्या है, ये देखिए कटिंग एज ये है, कटिंग वेलोसिटी ये है, उसके परपेंडिकुलर है, ये हमारी मतलब परपेंडिकुलर है, इस तरीके की टर्निंग हो गई, स्ट्रेट टर्निंग भी बोल सकते हैं। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कटिंग सिस्टम को डिफाइन किया। अब इसमें हमने क्या किया कि जिसमें हमारी कटिंग एज इस कटिंग वेलोसिटी के देखिए कुछ डिग्री पर टर्न कर रही है, वो या तो 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा पे टर्निंग हो रहा है, तो ऐसे कटिंग सिस्टम को डियर हम लोगों ने पढ़ेंगे तिर्यक कटिंग सिस्टम या ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। ऑब्लिक का मतलब होता है डियर तिर्यक, तो जिसमें हमारा क्या होगा, टूल की कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी से 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाए और मेटल को टर्न करे, वो हमारा कहलाएगा ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। दूसरे में आप देखिए, ये टूल की कटिंग एज ये है, कटिंग एज ये है और कटिंग वेलोसिटी ये है, तो टूल की कटिंग वेलोसिटी का कितना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाएगा, इस एग्जैक्ट 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। तो यहां से हमें दो चीजें निकल के आई डियर, एक ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम और एक ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। ऑर्थोगोनल में हम लोग पढ़ेंगे जब टूल की कटिंग एज टूल की कटिंग वेलोसिटी का 90 डिग्री हो, और ऑब्लिक में पढ़ेंगे जब टूल की कटिंग एज टूल की वेलोसिटी से लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90 हो। अब बात करने चल रहे हैं कैसा हमने क्यों रखा। अब आप समझिए डियर कि जब हम किसी बाइक में धक्का लगाते हैं, कोई हमारी खड़ी कार है उस पर अगर हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री होकर इस तरीके से ऐसे धक्के लगाते हैं, तो हमें क्या है, हमारा बहुत फोर्स लगाएंगे उसके बाद भी गाड़ी कम जलेगी, और अगर हम थोड़ा सा एंगल बना के हम धक्का लगाएं तो हमारा फोर्स कम लगेगा, उस कम फोर्स में ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम जब थोड़ा सा तिरछा होकर अपने आप को तिरछा करके फिर धक्का लगाते हैं, तो जो गाड़ी हमारी रुकी होती है वो आसानी से चल पड़ती, मतलब अगर हम ऐसे बिल्कुल खड़े होकर ऐसे गाड़ी को धक्का लगाएं तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे फिर भी गाड़ी कम चलेगी, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर हम झुक कर एंगल बनाकर फोर्स लगाएं गाड़ी हमारी आगे बढ़े। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है डियर
ये देखो, जब ये टूल का कटिंग एज परपेंडिकुलर है तो यहां से जो मेटल कट हो रहा है इसको सेम इतना ही डेप्थ आप कट को कटने के लिए इस पे जो कटिंग फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन यहां पर भी देखो ये डेप्थ आप कट इतना और इतना, ये दोनों हमारा सेम है। अब ये हमने टेपर में कर दिया तो इसका जो कटिंग फोर्स है वो कम लगेगा इसके रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब हमने क्या किया डियर, कि कटिंग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, कटिंग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हमने कटिंग सिस्टम अप्लाई किया। और वह कटिंग सिस्टम हमने दो तरीके का अप्लाई किया, एक ऑर्थोगोनल और एक ऑब्लिक। अब ऑर्थोगोनल में हमारा कटिंग फोर्स ज्यादा लगेगा, उसे कम करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्लिक कटिंग सिस्टम एडॉप्ट करेंगे। तो ये था हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग। अब आपने देखा कि सर ये तो आपने सर्कुलर वर्क पीस के लिए बता दिया, रेक्टेंगुलर वर्क पीस के लिए क्या होगा डियर? रेक्टेंगुलर वर्क पीस के लिए भी डियर वही होगा, जैसे आप देखो कोई फावड़ा चलाते हो, फावड़े की कटिंग है जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर हो। मान लो कि आपका ये फावड़ा हो जाए, अब आप इस डायरेक्शन में चला रहे हो तो ये कटिंग एज परपेंडिकुलर है इस वेलोसिटी के, तो आपका क्या ज़्यादा फोर्स लगाएंगे फिर भी कम मिट्टी आप खींच पाएंगे। लेकिन आप जैसे इसको फावड़े को ऐसे तिरछा कर दो और इस डायरेक्शन में आप चलाओ तो अब आपको क्या है, मिट्टी को छीलने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और आसानी से मिट्टी की छिलाई आप कर सकते हैं, कुड़ाई छिलाई जो भी। सेम वही चीज़ यहाँ मेटल में भी अप्लाई होता है, रेक्टेंगुलर अगर हमारे पास वर्कपीस है या फ्लैट सरफेस वर्कपीस है तो जिसमें आप देखिए ये हमारे पास क्या है डियर, एक वर्कपीस है, ये हमारे पास एक वर्कपीस है। अब देखें ये टूल लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है डियर, ये हमारे पास है टूल। अब आपने देखा ये टूल है, ये टूल है ये पूरा। अब आप देख रहे हैं टूल इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है और ये कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, टूल की कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मतलब आप देखो कि ये वर्कपीस और ये टूल ऐसे ऐसे कट करेगा, इसकी कटिंग एज या ऐसे देखो ये कटिंग एज है और ये वेलोसिटी है, ऐसे कटिंग एज ये है वेलोसिटी ये है, कटिंग एज के परपेंडिकुलर हमारा टूल मूव करेगा तो उस समय क्या होगा, ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम। लेकिन अगर इसी को देखें डियर हम क्या करें, ये ऐसे ना होके इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दें, आप देखो इसे ऐसे ना करके इसको हम लोग थोड़ा सा तिरछा कर दें तो उस समय हमारा क्या होगा कि देखिए तिरछा कर देंगे, अब इसको हम कट करते चले जाएंगे तो ये हमारा फोर्स कम लगेगा, जब फोर्स कम लगेगा तो हमारा क्या है टूल लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये हमारा हो गया ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। अब जरूरी नहीं कि इसको इधर ही टिल्ड करें, इसको हम इधर भी टिल्ड करके ऐसे कट कर। आई होप आपको फ्लैट सरफेस वर्कपीस और सिलेंड्रिकल सरफेस वर्कपीस दोनों के लिए ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग सिस्टम आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके एस्पेक्ट के बारे में, ये क्या क्या होते हैं, कि क्या क्या डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस हमने आपको बता दिया क्या होता है। चलिए अब देखिए ये हमारा जैसे है, देखिए ये टूल हमारा क्या है, ये इस डायरेक्शन में अगर कट होगा तो टूल की कटिंग एज ऐसी है, ऐसी है। अब ये क्या है, जब इस तरीके का आपको दिखाई देगा तो तुरंत आपको पहचान लेना है डियर ये हमारा है ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। लेकिन अगर यहीं पे टूल ऐसे लगा होता और टूल इस तरह से आगे कट करता जाता तो आप तुरंत पहचान लेते सर ये तो ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम। अब आप पहचान कैसे करेंगे, आपने देखा ड्रिल बिट, ड्रिल बिट आप देखते हो, हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए ड्रिल बिट में ऑर्थोगोनल कटिंग होगा ऑब्लिक कटिंग होगा, तो आप तुरंत देखोगे कि सर ये ड्रिल बिट का एज किस तरीके का, जब आप ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ाते हो, अभी पूरा ड्रिल बिट हम नहीं बनाएंगे लेकिन आप देखो, देखो टूल की कटिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, टूल इस डायरेक्शन में कट करेगा लेकिन कटिंग एज ये है, आप देखो कितना एंगल बना रहा है, क्या 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा है। अगर ये कुछ इस तरीके से होता डियर, अगर ये कुछ मान लो ऐसा होता और यहाँ वर्क पीस होता, ये कटिंग एज होती और ये वेलोसिटी होती, लेकिन ऐसा हो जाता तो ये ड्रिल करेगा ही नहीं, ये क्या है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा तब ये ड्रिलिंग स्टार्ट होगी। आप देखो कि अगर ये ऐसी सरफेस हो जाए और ये रोटेट करके इसको ड्रिल करना चाहे तो यहाँ पे ज़्यादा कटिंग फोर्स लगेगा तब ये हो सकता है ड्रिल हो या ड्रिल कर ही ना पाए। ड्रिल करने के लिए हमें इस तरीके की एज बनानी पड़ती है
और यही हमारा क्या होगा, ऑब्लिक कटिंग। तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझ में आ गया ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। अब इसके बाद ऑर्थोगोनल का आपको जैसे लेथ मशीन पे जो लेथ टूल हमने आपको दिखाया, इस तरीके से लेथ मशीन पे अगर टर्निंग होगी वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल कटिंग, और इस तरीके से टर्निंग होगी तो कहलाएगा ऑब्लिक कटिंग। आगे बढ़ते हैं और इसका डिफरेंस समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा डियर, देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग जो हमारी होती है या ऑर्थोगोनल जो मशीनिंग होती है वह टू डायमेंशनल होती है, और ऑब्लिक मशीनिंग हमारी होती है थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या है, यह टू डायमेंशनल मतलब द्विविमीय होती है, और यह थ्री डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय होती है। जब इसको हम लोग टेपर कर देंगे, देखिए ये कटिंग एज हमारी यहाँ पे आ गई और ये वर्क पीस, अब ये कैसा है, 3D कटिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कटिंग एज है और ये वर्क पीस। तो ये कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी के क्या है, 90 डिग्री पे आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे 2D कटिंग सिस्टम हम कहते हैं और इसे हम लोग 3D कटिंग सिस्टम हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्थोगोनल कटिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम ऑप्शन ए टी टी एंड टी, ये दिया है 2D, ये दिया है 3D, और ये दिया है 1D, और ये दिया है both ए एंड टी। अब जहां पे भी आपको डियर ऑर्थोगोनल कटिंग दिखाई देगा वहां पे कैसी कटिंग होगी, 2D कटिंग होगी, और ऑर्थोगोनल की जगह ऑब्लिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम, इन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, 3D कटिंग। मतलब 2D और 3D का मतलब सिंपल सा ये है कि ऑर्थोगोनल में हमारे पास डियर 2 कटिंग फोर्स अप्लाई होंगे, 2 कटिंग फोर्स अप्लाई होंगे। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से कटिंग फोर्स, FA और FT अप्लाई होगा, मतलब एक्सियल फोर्स और टेंजेंशियल या थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगा। और ऑब्लिक कटिंग में, ऑब्लिक कटिंग में 3 कटिंग फोर्स अप्लाई होंगे, FA भी होगा, FT भी होगा और FR भी होगा, एक्सियल फोर्स, टेंजेंशियल या थ्रस्ट फोर्स एंड रेडियल फोर्स भी अप्लाई होगा। अब 3 फोर्स अप्लाई होगा मेटल को कट करने के लिए, तो इसीलिए इसे ऑब्लिक कटिंग यानी कि 3D कटिंग सिस्टम कहते हैं, और 2 फोर्स अप्लाई होगा मेटल को कट करने के लिए, तो इसलिए इसे 2D कटिंग फोर्स या 2D कटिंग सिस्टम। तो यहाँ से 2D और 3D कटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया कि 2D क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 कटिंग फोर्स हमारा लगता है, और 3D क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 कटिंग फोर्स लगता है, और ऑर्थोगोनल 2D होगा, ऑब्लिक हमारा 3D। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, नेक्स्ट बात करते हैं, देखें हम एक तरफ ऑर्थोगोनल को लेके चल रहे हैं और एक तरफ हम ऑब्लिक कटिंग को लेके चल रहे हैं, हम लोग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग इसको, कंपेरिजन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या होगा डियर, कटिंग एज इज द टूल इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। ये हमेशा ध्यान देना आप कि अगर ऑर्थोगोनल कटिंग है तो ये जो कटिंग एज है, देखिए ये टूल हो गया, ये कटिंग एज हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, टूल की कटिंग एज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टूल कटिंग वेलोसिटी, ये मेंशन रहेगा ही रहेगा, तभी ये कहलाएगा हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग। मतलब डियर क्या है, ऑर्थोगोनल कटिंग होने के लिए टूल की कटिंग एज, ये भी पूछा जाता है, ऑर्थोगोनल कटिंग होने के लिए टूल की कटिंग एज, टूल की कटिंग वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा या इंक्लाइंड होगा, लेस देन 90 होगा या ग्रेटर देन 90 होगा, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी। मतलब कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी। अब अगर ऑब्लिक की बात कर देंगे यहाँ पे, ऑब्लिक में हमारा क्या हो जाएगा डियर, ऑब्लिक में हमारा इस तरीके से टूल हो गया, ये हमारा हो गया टूल की कटिंग एज, ये है कटिंग वेलोसिटी, ये है।
तो अब हमारा क्या है ऑब्लिक में टूल कटिंग एज इज नॉट परपेंडिकुलर टू टूल कटिंग वेलोसिटी, पहला तो ये कह सकते हैं, या दूसरा ये कह सकते हैं टूल कटिंग एज इज लेस देन और ग्रेटर देन द 90 डिग्री ऑफ टूल कटिंग। मतलब कह सकते हैं कटिंग एज ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड एट एनी एंगल, इंक्लाइंड एट एनी एंगल विच इज लेस और ग्रेटर ग्रेटर देन 90, जो हमारा 90 डिग्री से लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, मैक्सिमम के केस में लेस को अडॉप्ट कर। तो ये हमारा होता है टूल की कटिंग एज हमारी क्या होगी टूल की वेलोसिटी से 90 डिग्री से कम या ज्यादा होगी। अब 90 डिग्री से कम या ज्यादा ये हमने आपको दिखा ही दिया कि देखिए ये हमारी जो है ये टूल की कटिंग वेलोसिटी का 90 डिग्री है और ये हमारा लगभग 90 डिग्री से कम है, ये जितना ऐसे तिरछा होता जाएगा ये एंगल की वैल्यू बढ़ती, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर लेंथ ऑफ कटिंग एज, ये पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है लेंथ ऑफ कटिंग एज इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ वर्क पीस, मतलब इसका क्या है डियर, जैसे देखिए ये जो वर्क पीस की हमें कटिंग करनी है, देखिए ये जो वर्क पीस की हमें कटिंग करनी है इस वर्क पीस की विड्थ हम बी ले डब्ल्यू ले लें, अब वर्क पीस की विड्थ डब्ल्यू ले लें, यहाँ पे ये जो टूल लगाएंगे हम लोग ये टूल इस तरीके से हमारा लगेगा, ये टूल हमारा, अब इस टूल को हम इस डायरेक्शन में आगे कट करेंगे तो देखिए टूल की जो विड्थ है टूल की विड्थ ऑर्थोगोनल कटिंग में, ऑर्थोगोनल कटिंग में हमेशा ध्यान देना डियर, ऑर्थोगोनल कटिंग में टूल की विड्थ कटिंग एज की विड्थ से हमेशा ज्यादा होगी, टूल विड्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क पीस विड्थ, ये हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए रहेगा। लेकिन ऑब्लिक कटिंग के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो ग्रेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑब्लिक कटिंग के लिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। देखिए यहां पे देखिए ऑर्थोगोनल के लिए लेंथ ऑफ द कटिंग एज इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द वर्क पीस, जो कटिंग एज की लेंथ या चौड़ाई होगी वो हमारी क्या होगी वर्क पीस की चौड़ाई से ज्यादा होगी, एंड विड्थ ऑफ द वर्क पीस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट का मतलब ये जो कट की गहराई, ये जो कट की गहराई है, डेप्थ ऑफ द कट इज ऑलवेज लेस देन विड्थ ऑफ द वर्क पीस, वर्क पीस की जो विड्थ है डियर ये जो वर्क पीस की विड्थ है ये हमेशा ज्यादा होगी जितना कट इसमें गहराई में हम कट कर रहे हैं, मान लीजिए इतनी गहराई में अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी कम होगी इस वर्क पीस के विड्थ से, ये हमारा हो गया ऑर्थोगोनल के लिए। सेम ऑब्लिक के लिए अब हम लोग देखते हैं, ऑब्लिक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोई कंडीशन नहीं होता है, ऑब्लिक के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होगा नो सच कंडीशन इज नेसेसरली फुलफिल, ऑब्लिक के लिए क्योंकि टूल हमारा क्या है तिर्यक है तिरछा है तो वह उसी तरीके से कटिंग करेगा, तो ये हमारा हो गया। लेकिन ऑर्थोगोनल के लिए ये चीज आपको ध्यान देनी है, यही आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है डियर कि अगर टूल को ऑर्थोगोनल होना है तो कितनी कंडीशंस को उसे फुलफिल करना होगा, मिनिमम ये क्वेश्चन बनता है कि टूल को ऑर्थोगोनल होना है या कटिंग को ऑर्थोगोनल होना है तो कितनी मिनिमम कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो यहां पे देखिए डियर फॉर मशीनिंग टू बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल, अगर ऑर्थोगोनल होना है तो हमें ऊपर की दोनों कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेगी, मतलब कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी होगा और साथ में लेंथ ऑफ द कटिंग एज इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द वर्क पीस के होगा, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो वह कटिंग सिस्टम हमारा कहलाएगा डियर ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम। अब ऑब्लिक की बात करेंगे तो ऑब्लिक में केवल एक ही सिस्टम अगर फुलफिल कर दे तो वह ऑब्लिक यानी कि तिर्यक कटिंग कहलाएगा, एक सिस्टम का मतलब टूल की कटिंग एज अगर हमारी इंक्लाइंड हो जाए वर्क पीस से,
कटिंग वेलोसिटी से टूल की कटिंग एज इंक्लाइंड हो जाए एट एनी एंगल तो वह कटिंग सिस्टम हमारा कहलाएगा ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। तो इस नोट पॉइंट को आपको याद रखना है। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है, फॉर मशीनिंग टू बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल बोथ कंडीशन वन एंड टू मस्ट बी फुलफिल। वन एंड टू का मतलब क्या है कि टूल की कटिंग एज परपेंडिकुलर होगी टूल वेलोसिटी के एंड लेंथ ऑफ द कटिंग एज इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द वर्क पीस एंड विड्थ ऑफ द वर्क पीस इज ऑल्सो ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ कट के होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। एंड सेकेंड आपका क्या है, फॉर मशीनिंग टू बी कॉल्ड ऑब्लिक ओनली वन कंडीशन इज सफिशियंट। ऑब्लिक के लिए केवल और केवल यही सफिशियंट है कि टूल आपका परपेंडिकुलर की बजाय इंक्लाइंड हो जाए कटिंग वेलोसिटी, टूल की कटिंग है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं डियर, नेक्स्ट पॉइंट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह आपका है द चिप जनरेटेड फ्लो ऑन द रैक फेस ऑफ द टूल विथ चिप वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। जो हमारी कटिंग एज है, देखिए ऐसे देखें, ये हमारी मान लीजिए टूल हो गया। अब ये जो चिप इस डायरेक्शन में बढ़ रही है डियर, इस डायरेक्शन में जो चिप बढ़ रही है, देखिए ये टूल हो गया। देखिए जो चिप इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, यहां पे आप देखिए डियर, ये जो चिप इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये चिप की वेलोसिटी बी सी हो गई। अब चिप की वेलोसिटी टूल की कटिंग वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ऑर्थोगोनल कटिंग में चिप की वेलोसिटी ऑफ चिप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टूल कटिंग एज। चिप वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। ये हमारा हो गया। जैसे इसका डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका टूल हो गया, ये आपका इस तरीके से टूल हो गया, देखिए ये आपका टूल हो गया, ये आपका टूल हो गया। देखिए टूल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो टूल इस डायरेक्शन और चिप आपकी रोल करती हुई इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस कटिंग एज के परपेंडिकुलर ऐसे बढ़ रही है। लेकिन ऑब्लिक में देखिए, जैसे हमने टूल को तिरछा कर दिया, यह कुछ इस तरीके से घूमती हुई आगे बढ़ेगी, तो यह परपेंडिकुलर ही जाएगी। तो यह हमारा हो गया, ये ऑर्थोगोनल का हो जाएगा और ये ऑब्लिक का हो जाएगा। ऑब्लिक में जो चिप हमारी फ्लो करती है डियर, वो हमारी कुछ एंगल पे फ्लो करती है, उस एंगल को हम लोग, ये देखें ये कुछ एंगल पे हमारी फ्लो करती है, इस एंगल को हम लोग बीटा, देखिए जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये चिप को आगे बढ़ाएंगे तो इसके बीच एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं बीटा एंगल, वेयर बीटा एंगल इज द चिप फ्लो एंगल, चिप फ्लो एंगल। एंड आई इंक्लाइनेशन एंगल होता है, इंक्लाइनेशन एंगल अभी हम आपको बताने चल रहे हैं क्या होता है, पहले ये समझ। तो ये हमारा हो गया क्या कि चिप जनरेटेड फ्लो ऑन द रैक फेस ऑफ द टूल विथ चिप वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। कटिंग एज के परपेंडिकुलर होती है चिप वेलोसिटी ऑर्थोगोनल में, और ऑब्लिक में आपका क्या होगा, द चिप जनरेटेड फ्लो ऑन द रैक फेस ऑफ द टूल एट एन एंगल बीटा, बीटा डिग्री पे हमारी चिप क्या करेगी, फ्लो करेगी, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द विथ ऑफ नॉर्मल कटिंग एज ऑन द प्लेन रैक फेस। दैट मीन्स ये हमारी चिप जो फ्लो करेगी वो बीटा डिग्री पर फ्लो करेगी। बीटा एक एंगल होगा जिसे हम लोग बोलेंगे फ्लो चिप एंगल। अच्छा इंक्लाइनेशन एंगल यहाँ से आपको समझा दें, इंक्लाइनेशन एंगल कुछ नहीं होता डियर, बस एक टूल होता है। जैसे आप देखिए, नहीं होता तो कुछ है लेकिन ऐसा नहीं कुछ, जैसे मान लीजिए ये टूल हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये टूल जितना आगे है इसे हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। लेकिन इस टूल को अगर देखिए इतना तो क्लियरेंस है, अगर टूल को थोड़ा सा हम उठा दिए, मान लीजिए टूल को हम इतना ऊपर उठाकर कटिंग कर रहे हैं, अब इतना तो क्लियरेंस एंगल हमने ऑलरेडी दिया था, लेकिन जितना टूल को हम ऊपर उठाकर कटिंग करेंगे
वही हमारा क्या कहलाएगा, इंक्लाइनेशन एंगल। टूल को जितना इंक्लाइन करके हम कटिंग करेंगे वही हमारा कहलाएगा इंक्लाइनेशन, ये हमारा होता है इंक्लाइनेशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक के लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द कटिंग फोर्स एक्ट एलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड 2D कटिंग। जो हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग होता है उसमें दो कटिंग फोर्स हमारे लगते हैं और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और कौन कौन से फोर्स लगते हैं, वो लगते हैं डियर एक्सियल एक्सियल फोर्स FA एंड टेंजेंशियल फोर्स हम लोग बोलते हैं FT, और FT इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू FA होता है। ये कैसे होता है इसको भी समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए डियर ये मशीनिंग हो रही है, मान लीजिए कि ये चलिए ऑर्थोगोनल ये हमने लगा दिया टूल, आप टूल इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो यहां सबसे पहले हम ये समझेंगे इस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है तो इसी डायरेक्शन में हमारा कटिंग फोर्स लगेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल फोर्स। कटिंग फोर्स इज ऑलवेज कॉल्ड एक्सियल फोर्स। लेकिन आप देखो डियर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये वर्कपीस क्या है, इस टूल को बार बार नीचे की ओर सेपरेट करने की कोशिश करेगा और पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। जब इसे पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा तो हम एक एक्सियल फोर्स प्रॉपर तरीके से लगाए रखेंगे, वह एक्सियल फोर्स क्या करेगा इस टूल को वर्कपीस के साथ लगातार कॉन्टैक्ट करेगा। लेकिन यह क्या है, टूल ऐसे बना हुआ है तो यह वर्कपीस इस टूल को नीचे की तरफ भी फेंकने की कोशिश करेगा, जिसे हम लोग लगातार वर्कपीस में एक मिनिमम डेप्थ ऑफ कट मेंटेन रखने के लिए एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाए रखेंगे और यही फोर्स कहलाता है थ्रस्ट फोर्स या टेंजेंशियल। टूल को वर्कपीस से सेपरेट ना होने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स हम लोग लगाए रखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। ये हमारा होता है डियर थ्रस्ट फोर्स, ताकि टूल वर्कपीस के साथ सेपरेट ना होने पाए। देखिए ये एक्सियल फोर्स और ये थ्रस्ट फोर्स दोनों एक दूसरे के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में दो कटिंग फोर्स हमारे अप्लाई होते हैं, द कटिंग फोर्स एक्ट एलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट मीन्स 2D, और कौन कौन से कटिंग फोर्स होंगे FA एंड FT ये हमारा हो। अब आगे बात करते हैं डियर ऑब्लिक कटिंग सिस्टम में, तो ऑब्लिक कटिंग सिस्टम में तीन कटिंग फोर्स अप्लाई होंगे और तीनों कटिंग फोर्स आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। देखिए द कटिंग फोर्स एक्ट एलोंग ऑल द थ्री डायरेक्शन 3D एंड थ्री फोर्स आर म्यूचुअली बोथ फोर्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इट्स। जैसे कैसे होगा आइए इस पे समझ। देखिए एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा जिसे हम लोग बोलेंगे FA, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा जिसे हम लोग बोलेंगे FT, और एक देखिए एक नीचे से लग रहा है, एक इधर एक इस तरफ लगेगा डियर। अगर हम इसको ऐसे दिखाना चाहें इस तरफ ऐसे देखिए बोर्ड के परपेंडिकुलर, आप ऐसे देखो एक फोर्स बोर्ड के इधर लग जाए इस तरफ लग जाए और एक फोर्स बोर्ड पर ऐसे नीचे की ओर लग जाए, तो इस वाले फोर्स को एक्सियल फोर्स कह दें और नीचे से लगने वाले फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स कह दें। और एक फोर्स इस बोर्ड पर ऐसे परपेंडिकुलर लगे और उसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग बोलते हैं डियर रेडियल फोर्स, जो उसके पूरा पेरिफेरी पर लगता है, परिधि पर लगता है, तो ये हमारा होता है रेडियल फोर्स। देखिए ऐसे फोर्स लगेगा तो यह इसके क्या होगा परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। जब ऐसे लगेगा तो यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री रहेंगे। तो तीन फोर्स लगेंगे, तीनों फोर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारा कहलाएगा 3D कटिंग सिस्टम, इसी को बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। तो यहाँ था द कटिंग फोर्स एक्ट एलोंग ऑल थ्री
डायरेक्शन विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, चिप गेट्स क्वाइल्ड इन ए टाइट स्पाइरल फैशन रिजल्टिंग इन हीट एंड प्रेशर कंसंट्रेशन इन ए स्मॉलर एरिया। मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल कटिंग में ये जो चिप हमारी होती है डियर, एक ही जगह पे स्पाइरल होती जाती है और बहुत टाइट स्पाइरल होती जाती हैं, जिस वजह से कम एरिया में ही यह ज़्यादा फ्रैक्शन जनरेट करेगा, जिस वजह से यहाँ पे हीट भी जनरेट होगी। तो ये हमारा होता है ऑर्थोगोनल में एक ही एरिया पे टाइट स्पाइरल कॉइल चिप बनती है। देखिए जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हटा के आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ऑर्थोगोनल में क्या है, एक ही जगह पे चिप आपकी कॉइल होती जा रही है, लेकिन ऑब्लिक में आपकी क्या, चिप आपकी फैल कर आगे बढ़ती है। तो ऑर्थोगोनल में क्या है डियर, देखें ऑर्थोगोनल में क्या है, चिप गेट्स क्वाइल्ड, क्वाइल्ड मतलब मुड़ती हुई जाएगी, क्वाइल बनाती हुई जाएगी इन ए टाइट स्पाइरल मैनर या स्पाइरल फैशन रिजल्टिंग इन हीट, जिसका मेन मतलब यह है एक ही जगह पे कलेक्ट होगी तो हीट भी वहीं पे कलेक्ट होती जाएगी, फ्रैक्शन एक ही जगह पे बढ़ेगा एंड प्रेशर कंसंट्रेशन इन ए स्मॉलर एरिया में ही बढ़ेगा। यह हमारा हो गया। और इसमें हमारा क्या है, चिप फ्लो साइड अवे डायरेक्शन इन ए वाइडर एरिया, वाइडर एरिया में चिप मारी फ्लो होगी, मतलब ये देखिए चौड़े एरिया में आगे चिप फ्लो होती हुई बढ़ेगी, जिससे हमारा क्या होगा, देयर इज लॉस लेस कंसंट्रेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, जिससे हमारा हीट और प्रेशर क्या होगा, स्मॉल कंटेंट में स्मॉल क्वांटिटी में। ये हमारा हो गया। अब टू लाइफ की बात करेंगे डियर, तो देखो 2D कटिंग सिस्टम में कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, उतने ही मेटल को सेम डेप्थ ऑफ कट और सेम विड्थ ऑफ कट में कट करने के लिए। तो अब जिसमें कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा उसकी टूल लाइफ हमेशा कम होगी, और जिसमें कटिंग फोर्स कम लगेगा उसकी टूल लाइफ ज़्यादा होगी। तो हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल में कटिंग फोर्स ज़्यादा लगता है, इसीलिए इसकी टूल लाइफ, माय डियर हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्थोगोनल कटिंग में टूल लाइफ लो होगी रेदर देन ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। मतलब ऑब्लिक कटिंग सिस्टम में हमारी टूल लाइफ आपकी क्या होती है, मोर होती है देन ऑर्थोगोनल कटिंग। सरफेस फिनिश की बात करेंगे तो जिसमें कटिंग फोर्स ज़्यादा लगता है वहाँ पे कटिंग क्या है, डेप्थ ऑफ कट भी कम लेंगे, वहाँ पे सरफेस फिनिश बेटर नहीं आएगी। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है डियर, पुअर सरफेस फिनिश इज प्रोड्यूस, एंड ऑब्लिक के लिए क्या होता है, गुड सरफेस फिनिश प्रोड्यूस। मशीनिंग के बाद जो सरफेस हमें मिलेगी उसकी सरफेस फिनिश ऑर्थोगोनल में पुअर होगी लेकिन ऑब्लिक में बेटर होगी। यह हमारा होता है। देन आगे बात करते हैं, कटिंग फोर्स रिक्वायरमेंट इज हाई, ऑर्थोगोनल में हाई कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और ऑब्लिक कटिंग में हमारा क्या होगा डियर, कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड इज लो, जिस वजह से टूल लाइफ इसकी ज्यादा होगी और ऑर्थोगोनल की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जब कटिंग फोर्स ज्यादा लगेगा तो पावर कंजप्शन भी ज्यादा होगा, पावर कंजप्शन ज्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगी। यहां देखिए मोर पावर कंजप्शन इन ऑर्थोगोनल एंड लेस पावर कंजप्शन इन ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल में अधिक पावर आपको लगेगा मेटल को कट करने के लिए क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है, और ऑब्लिक में कम पावर लगेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सीधे एग्जांपल ही पूछ लेता है कि पार्टिंग इज ए एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लेता है डियर, देखिए क्वेश्चन आपका पूछ लेता है पार्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब चार ऑप्शन देगा, फर्स्ट आपका देगा ऑर्थोगोनल, सेकेंड आपका देगा ऑब्लिक कटिंग, थर्ड आपका देगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड
पी और डी ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। अब पार्टिंग का मतलब यह है डियर, हमें पार्टिंग समझना है, ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस है। अब यहां पे ये टूल ऐसे ऐसे टूल लगा होगा तभी तो ये टूल हमारा क्या होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, इसे दो पार्ट में कट करेगा। देखिए टूल की कटिंग एज ये है, कटिंग वेलोसिटी ये है, मतलब किसी भी वर्क पीस को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, कट दो पार्टों में अलग करने के लिए टूल की कटिंग वेलोसिटी टूल की कटिंग एज का परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स पार्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग। तो इस तरीके से हमें इसके एग्जाम्पल को भी याद रखना है। तो अगर हमारा ऑर्थोगोनल की बात करेंगे तो स्लॉटिंग, शेपिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, पाइप कटिंग, ये सारे एग्जाम्पल हमारे होंगे। स्लॉटिंग मतलब जो हम जैसे कीवे या गाइड वे बनाते हैं, जो हमारे गाइड वे मतलब कोई स्लॉट काटते हैं, गाइड काटते हैं, वो हमारे कहलाते हैं स्लॉटिंग ऑपरेशन। एंड शेपिंग ऑपरेशन जो शेपर मशीन पर हम लोग करते हैं वो हमारे शेपिंग ऑपरेशन हो गए। पार्टिंग ऑपरेशन जैसे हम इसको दो भागों में कट कर रहे हैं। ग्रूविंग का मतलब कोई ग्रूव हम लोग अंदर काटते हैं, स्लॉट वगैरह काटते हैं, वो ग्रूविंग ऑपरेशन। एंड पाइप कटिंग, पाइप को दो पार्टों में कट करने के लिए, तो ये सारे ऑपरेशन हमारे कहलाएंगे डियर ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम के। ऑब्लिक कटिंग सिस्टम का क्या एग्जाम्पल होगा, ऑल अदर प्रोसेस लाइक द टर्निंग, ड्रिलिंग एंड मिलिंग, ये सारे एग्जाम्पल हमारे कहलाएंगे डियर ऑब्लिक कटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होंगे। ड्रिलिंग ऑपरेशन भी आपका ऑब्लिक कहलाएगा, मिलिंग ऑपरेशन भी, क्योंकि मिलिंग कटर भी इंक्लाइन होकर कट करेंगे, एंड आपका टर्निंग ऑपरेशन भी ऑब्लिक कटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल। अब इसमें देखिएगा, ओनली वन कटिंग एज इज इन्वॉल्व इन कटिंग। ऑर्थोगोनल की बात करेंगे तो जब इसे कट करना है मेटल को तो केवल और केवल एक ही कटिंग एज इन्वॉल्व होगी मेटल को कट करने के लिए। लेकिन ऑब्लिक कटिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि फ्रिक्वेंटली मोर देन वन कटिंग एज आर एक्शन इन मशीनिंग, एक से अधिक कटिंग एज भी एक्शन में होंगी मेटल को कट करने के। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं, मैक्सिमम चिप थिकनेस अकर्स इन मिडिल ऑर्थोगोनल में क्या होगा डियर, मिडिल में चिप थिकनेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ऑब्लिक में मैक्सिमम, देखिए ये टेपर करता हुआ जा रहा है तो मिडिल में मैक्सिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऑर्थोगोनल में क्या है कि चिप थिकनेस अकर्स इन मिडिल मैक्सिमम, लेकिन ऑब्लिक में क्या है कि मैक्सिमम चिप थिकनेस मे और मे नॉट अकर एट द मिडिल, मिडिल में मैक्सिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि टूल आपका टेपर होके कट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अगर कटिंग फोर्स हमने आपको बताया था तो ऑर्थोगोनल में एक्सियल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स लगता था, तो इसके लिए जो रिजल्टेंट आता था, रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम के लिए जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा डियर वो रूट ओवर एक्सियल फोर्स प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर होगा, और ऑब्लिक कटिंग के लिए नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाएगा एक्सियल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस रेडियल फोर्स का। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, फोर्स याद करके जाना है। ऑर्थोगोनल के लिए दो कटिंग फोर्स होंगे, एक्सियल और टेंजेंशियल, दोनों का आपका रिजल्टेंट इस तरह से आएगा, और ऑब्लिक के लिए रिजल्टेंट। अब देखिएगा, ये हो गया, वेयर आर इज रिजल्टेंट फोर्स, एफ इज एक्सियल फोर्स, एफ टी बराबर थ्रस्ट या टेंजेंशियल फोर्स, एंड एफ आर इज द। तो ये था हमारा डियर डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग सिस्टम। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस कर देते हैं। जैसे इंटरप्टेड मशीनिंग का मतलब यह होता है कि मशीनिंग रुक रुक के होती है, वो हमारे लिए मेटल को सरफेस फिनिश भी बेकार करती है, टूल लाइफ भी डिक्रीज करती है, और प्रॉपर मशीनिंग नहीं हो पाती है। तो कभी भी हम लोग इंटरप्टेड मशीनिंग नहीं करेंगे, रुक रुक कर मशीनिंग नहीं करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ टूल, ये आप देख लीजिए
कि जैसे सपोज करिए डियर, इस शेप का अगर टूल है, अगर इसको आगे ले जाकर वर्कपीस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्कपीस आपका देखिए, अगर वर्कपीस ऐसा था, इसको इस पर इंटरसेक्ट करेंगे तो यह ऐसा कट के इस तरीके का शेप बनाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, ग्रूव या फॉर्मिंग, ग्रूव फॉर्मिंग। अब देखो अगर डियर इस तरीके का शेप होगा तो यहाँ वर्कपीस को अगर टूल को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे वर्कपीस में, ऐसी शेप बनेगी जिसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव फॉर्मिंग। और अगर टूल इस तरीके का हो जाए, तो वर्कपीस में ऐसा शेप बनेगा, ये कॉन्वेक्स शेप बन रहा है, ये अवतल शेप बन रहा है और ये उत्तल शेप बन रहा है। तो इस तरीके की फॉर्मिंग को कहते हैं कॉनकेव फॉर्मिंग और इस तरीके की फॉर्मिंग को कहते हैं कॉन्वेक्स फॉर्मिंग। एंड देखो ये डिफरेंट शेप अगर टूल हमारा कुछ ऐसा बन जाए, देखो ये टूल हमारा है कुछ ऐसा बन जाए, तो ये वर्कपीस भी कुछ ऐसा ही फॉर्म होने लगेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मिंग, जिसमें कॉनकेव भी मिलता है, कॉन्वेक्स भी मिलता है और ये आपका रेडियस भी मिलता है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फॉर्मिंग टूल्स। ऐसे टूल्स आपको दिखाई देंगे मेटल को कट करने। अब आगे बढ़ते हैं डियर, क्लासिफिकेशन ऑफ टूल। मैंने आपको पहले बता रखा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसका एग्जांपल केवल यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जिसमें केवल और केवल एक कटिंग एज अवेलेबल हो और वही रिस्पॉन्सिबल हो मेटल को कट करने के लिए, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में एक से अधिक कटिंग एज अवेलेबल हो और सभी कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल हो मेटल को कट करने के लिए या रिमूव करने के लिए। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल आपका है डियर टर्निंग, स्टेपिंग, प्लेनिंग, स्लॉटिंग टूल्स, और पार्टिंग टूल भी है इसमें, पार्टिंग टूल, ये सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जांपल हैं। मल्टी के भी, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जांपल भी पूछ लिया जाता है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल होगा डियर ड्रिलिंग टूल। ड्रिलिंग टूल में आपका अगर टू पॉइंट होगा, दो फ्लूट होंगे तो टू पॉइंट कटिंग टूल कहलाएगा, दो से अधिक होंगे तो मोर देन टू पॉइंट कहलाएगा। मिलिंग कटर, कॉमा ब्रोचिंग टूल, हॉबिंग टूल, ग्राइंडिंग व्हील, ये सारे हमारे क्या होंगे डियर मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल के एग्जांपल। चलिए अब देख लेते हैं, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टूल हमने आपको बता ही दिया, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। देखिए ये हमारा टूल था, इस तरीके से कट हो रहा था, ये हमारा क्लियरेंस एंगल था, ये कटिंग एज था। अब इसमें आप देख रहे हैं कटिंग वेलोसिटी ये है और कटिंग एज ये है, दोनों के बीच में एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री है, तो ये कहलाएगा ऑब्लिक कटिंग। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डियर कटिंग फोर्स के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो कटिंग फोर्स के बारे में एनालिसिस करने के लिए आप देखिए, जब हम कटिंग करते हैं, ये हमारा मान लीजिए टूल हो गया। अब देखिए टूल इस डायरेक्शन में कट कर रहा है, चिप ऐसे आगे बढ़ रही है। जब चिप आगे बढ़ेगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स चिप को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स FF, ये हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा। टूल इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है तो कटिंग फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, इसे हम लोग एक्सियल फोर्स भी, टूल इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है लेकिन मेटल पहले क्या सियर ऐसे होगा, सियर होने के बाद फिर आगे बढ़ेगा, तो सियर इस डायरेक्शन में होगा तो इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, सियर फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना डियर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना कि सियर फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर रिक्वायर्ड फॉर कटिंग फोर्स एंड सियर फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर रिक्वायर्ड फॉर फ्रिक्शन फोर्स या चिप फोर्स। ये हमारा हो गया चिप फोर्स और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो सियर फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन चिप फोर्स एंड कटिंग फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मेटल को सियर करना है तो मैक्सिमम फोर्स यहीं पे लगेगा। ये हमारा हो गया कटिंग फोर्स। अब इसमें देखिएगा कटिंग फोर्स, फीड फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स के बारे में आप समझ लीजिए। तो कटिंग फोर्स हमारा क्या होगा डियर, देखिए क्वेश्चन इससे भी पूछा जाए, कटिंग फोर्स मतलब ये टूल जो आगे बढ़ रहा है ये हमारा क्या है कटिंग फोर्स। अब इसके लिए क्या है, इट इज द कटिंग फोर्स, इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ टी और एफ जेड, कॉमा इट इज द लार्जेस्ट फोर्स,
जो कटिंग फोर्स हमारा होगा, जो सबसे ज्यादा कटिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, देन आफ्टर इट इज यूज मैक्सिमम 99% पावर प्रोवाइड फॉर द मशीनिंग बिकॉज कटिंग स्पीड इज वेरी हाई। तो देखो इस कटिंग टूल से कटिंग फोर्स प्रोवाइड कराएंगे, वही कटिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा सीयर में, चिप में, थ्रस्ट में, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन आफ्टर हमारा क्या होगा डियर, फीड फोर्स। ये आपको याद रखना है कि फीड फोर्स एफ एफ इज इक्वल टू एफ सी बाई टू के होता है। कटिंग फोर्स का आधा फीड फोर्स होता है, फीड फोर्स कटिंग फोर्स का आधा होता है, और थ्रस्ट फोर्स आपका क्या होता है, फीड फोर्स का, सॉरी कटिंग फोर्स का 1/4 होता है। अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए फीड फोर्स आपका क्या है डियर, इट इज द एक्सियल कंपोनेंट एफ ए एंड एफ एक्स, एंड इट इज 50% ऑफ कटिंग फोर्स। फीड फोर्स आपका एक्सियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा, एफ ए होगा, जो हमारा क्या होगा, कटिंग फोर्स का आधा होता है। ये बस आपको ध्यान में, कॉमा इट इज यूज ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ पावर बिकॉज फीड वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। फीड आपकी कम लगेगी इसीलिए इसकी वैल्यू को कम लगे। देन थ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे, तो थ्रस्ट फोर्स आपका क्या होता है डियर, इट इज रेडियल कंपोनेंट एफ आर या एफ आई, एंड इट इज 50% ऑफ फीड फोर्स या 25% ऑफ कटिंग फोर्स होता है। थ्रस्ट फोर्स आपका जो होगा डियर, एफ टी आपका जो होगा, वो फीड फोर्स का आधा होगा या कटिंग फोर्स का 1/4 यानी कि 1/4 होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, थ्रस्ट फोर्स आपका फीड फोर्स का हाफ होगा या कटिंग फोर्स का 1/4। देन इट इज यूज्ड नेग्लिजिबल और नो पावर कंजप्शन, देयर इज नो मूवमेंट ऑन टूल इन डायरेक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट हमारी कांस्टेंट होती है इसीलिए इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती। तो ये था हमारा डियर, देखिए ये था हमारा क्या क्या, कटिंग फोर्स और फीड फोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो फीड फोर्स बराबर कटिंग फोर्स का हाफ होता था, और थ्रस्ट फोर्स बराबर क्या होता था, फीड फोर्स का हाफ या कटिंग फोर्स का 1/4। ये हमारा हो गया, जो टोटल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, लगभग जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें 99% हमारा कटिंग फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, 1% हमारा लॉस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया, अब यही 99% को हम लोग हीट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, एक्सियल फोर्स में चेक कर रहे हैं। तो ये था हमारा रिलेशन। अब देखिए डियर ये हमारा हो गया, बोरिंग टूल हमारे क्या होते हैं, जैसे हम मटेरियल में होल करते हैं, होल करने के बाद उस होल के डायमीटर को जब इंक्रीज करते हैं, तो जिस टूल से डायमीटर को इंक्रीज करते हैं वह टूल हमारा कहलाता है बोरिंग टूल, और जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को कहते हैं बोरिंग ऑपरेशन। तो बोरिंग टूल हमारा क्या है, द इफेक्ट ऑफ सेटिंग ए बोरिंग टूल एबव सेंटर हाइट लीड्स टू एन डिक्रीज इन ड्रैग एंगल एंड इंक्रीज इफेक्टिव क्लियरेंस, कॉमा थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग के लिए देखिए, थ्रेड कटिंग के लिए ये क्वेश्चन बार बार दिया गया है, पूछा गया है कि थ्रेड कटिंग में आइडियली हैव जीरो रैक एंगल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इन थ्रेड कटिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन थ्रेड कटिंग, इन थ्रेड कटिंग हैव ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए चार तरीके का ऑप्शन दिया गया है, पॉजिटिव रैक एंगल ऑप्शन बी में दिया रहेगा, नेगेटिव रैक एंगल ऑप्शन सी में दिया रहेगा, जीरो रैक एंगल एंड ऑप्शन डी में दिया रहेगा नन ऑफ दीज। तो अब आप देखिए जहां पे भी हमें थ्रेड कटिंग करना होगा वहां पे डियर जीरो रैक एंगल होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ये हमारा हो गया इसके लिए। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है जो कि समझने में भी दिक्कत होती है और उसके फार्मूले भी याद करने में प्रॉब्लम होती है,
वो हमारा है मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम। हम कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, रेडियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे फोर्सेस को एक सर्किल में एनालिसिस करते हैं और वो सर्किल हमारा डियर ये होता है। इसी सर्किल को हम लोग बोलते हैं मर्चेंट फोर्स सर्किल। अब इस मर्चेंट फोर्स सर्किल पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं उन सारे फोर्स को एक सर्किल में ही हम लोग बना लेते हैं और उनके एनालिसिस करके इस तरीके से फार्मूले हम लोग ड्राइव करेंगे और यही फार्मूले हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आते हैं या इन फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, अगर हमें कटिंग फोर्स दे दिया जाए, थ्रस्ट फोर्स दे दिया जाए और सियर एंगल दे दिया जाए, अब पूछ ले कि इसमें हमारा नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो जब तक इस फार्मूले को हम ध्यान में नहीं रखेंगे हम उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आएंगे। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला रहेगा। यही नहीं रहेगा, इसके जितने भी हमारे हैं थ्रस्ट फोर्स के लिए, नॉर्मल फोर्स के लिए और ये हमारे क्या हैं कटिंग फोर्स के लिए, थ्रस्ट फोर्स के लिए और रिजल्टेंट फोर्स के लिए, कॉमा एन की वैल्यू निकालने के लिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए और कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू की वैल्यू निकालने के लिए, ये तो फार्मूला खूब आता है। ये वाला फार्मूला तो अक्सर तक पूछा जाता है, आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको ये वाला फार्मूला लगभग लगभग हर एग्जाम में दिखेगा। तो ये हमारा है डियर क्या है मर्चेंट फोर्स सर्किल एनालिसिस, जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदे इसका फोर्स सर्किल बनाएंगे। इस सर्किल पर हम लोग ये देखेंगे जैसे इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये टूल हो गया, ये सारे जो एंगल और एनालिसिस बनी हुई है हम लोग वन बाय वन ड्रॉ करके आपको समझाएंगे, आप खुद इसको ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक हम क्या करेंगे यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक मर्चेंट फोर्स सर्किल पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू माय डियर।